लेटरिन का हुआ है, घर का मकान का ये सब है। अच्छा और क्या समस्या है? और कुछ नहीं, कुछ करवाए नहीं, क्या है बताएं उनके बारे में। नमस्कार, मैं मयंक शर्मा, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। चुनावी दौर चल रहा है, इसलिए मैं चुनाव की नस पकड़ने के लिए दिल्ली से यूपी के जौनपुर के सागर विधानसभा के अखीपुर गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ ग्रामीण मेरे साथ है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि 5 सालों में इनके विधायक ललित यादव ने इनके गाँव में अब तक क्या कार्य करवाया और आने वाले दिनों में ये किस किस कार्य की उम्मीद करते हैं। आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? संजय बिंद। संजय बिंद, संजय जी मुझे ये बताइए कि आपके जो विधायक है ललित यादव, अब तक उन्होंने आपके गांव में कोई कार्य करवाया? नहीं। कोई कार्य सामने देखिए? नहीं करवाया। कोई कार्य नहीं करवाया? नहीं करवाया। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? लेटरिन का हुआ है, घर का हुआ, मकान का ये सब है। अच्छा और क्या समस्या है? और कुछ नहीं, कुछ करवाए नहीं, क्या बताएं उनके बारे में। अच्छा कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं करवाया। कितने वोट है आपके घर के? हमारे घर के 7 वोट है। 7 वोट है। तो अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, ललित यादव और राणा अजीत प्रताप जी के बीच में टक्कर चल रही है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो ललित नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो कोई अच्छा काम किए ही नहीं है। ललित नहीं जीत पाएगा? नहीं। तो आप राणा अजीत प्रताप को सपोर्ट करोगे या ललित को? अब जो अच्छा काम करें उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आप विधायक के रूप में ललित को वापस नहीं पाना चाहते? नहीं है, क्योंकि अच्छा काम किया ही नहीं। अच्छा काम नहीं किया? अच्छा तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका सीधा जवाब देना, आपकी नज़र में आपका विधायक पास है या फेल है? खेल है। आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? नाम राधिका है। राधिका, राधिका जी मुझे ये बताइए कि आपके जो विधायक है ललित यादव, अब तक उन्होंने कोई काम करवाया आपके गांव में? नहीं, कुछ नहीं। कोई काम नहीं करवाया? नहीं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हमारे पास मकान नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, नहाने की दिक्कत है, लेटरिन की सब कुछ की, मकान की दिक्कत है, बच्चे लेकर 4-5 बच्चे लेकर ही माड़े में सोते हैं हम। अच्छा जी, और क्या क्या समस्या है? यही सब समस्या है हमारे पास। अच्छा तो आप कभी प्रधान से इस बारे में शिकायत की आपने? वो हम लोग कुछ नहीं करते, कोई सुनाई नहीं हो रही। नहीं। तो ललित यादव के दफ्तर गए कभी विधायक के दफ्तर? वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे, छोड़ जाता है ना। अच्छा छोड़ जाता है, मतलब आपसे जातिवादी भेदभाव हो रहा है क्या? जी। अच्छा जातिवादी भेदभाव हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, अभी ललित यादव और राणा अजीत प्रताप के बीच में टक्कर चल रही है चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है आप विधायक के रूप में फिर से ललित को देखना चाहते हो? नहीं। नहीं देखना चाहते? नहीं। तो आप किसको सपोर्ट करोगे इस बार, ललित को या राणा को? राणा के जो अच्छा राणा जो अच्छा काम करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप आपकी नज़र में आपका जो विधायक है ललित यादव, पास है या फेल है? फेल हो जाएगा। फेल है, ठीक है। तो आंटी आप आगे आ जाइए प्लीज, आप बताइए कि 5 सालों में आपके जो विधायक ललित यादव, उन्होंने कोई काम करवाया? नहीं, ये गरीब है, ये कुछ ना। क्या क्या समस्या आ रही है बताइए। लेटरिन आवे ना, घर द्वार पे पांच बिटिया है ना, कि पूरा नहीं कमात पे खियावत पे, और कौन सुविधा हम लोग को कुछ दे है ना, है ना प्रधान ही दे है सुविधा हम लोग के। अच्छा, अभी पूरा नहीं अपन खटत पे, पांच लड़की है खाली, पांच बेटियां आपकी, तो बहुत समस्या हो रही है आपको। तब क्या? तो कभी प्रधान ने आपकी कोई मदद की? नहीं, कुछ ना। कोई मदद कोई मदद नहीं की? कुछ ना। तो आप प्रधान के उसके ललित यादव के दफ्तर गए कभी बात करने? कहा हम देखे नहीं, तो कहाँ जाए, वो छूट जात। आपने कभी देखा है शक्ल उसकी ललित यादव? नहीं, हम तो फोटो हम लोग देखे हैं, उसे नहीं देखे। फोटो में देखा आपने? फोटो में देखे, ऐसे नहीं देखा। अच्छा, तो आंटी मुझे ये बताओ कि आपके घर के वोट कितने हैं? वोट तो हमारे 5 बिटिया रहे, 5 दमाद रहा हमारा रहा, बाकी प्रधान आपकी कटाई दे। अच्छा प्रधान ने कटवा दिया? हाँ। क्या क्यों कटवा दिया? पता नहीं कहाँ लाभ रहा, कहाँ कटवा रखा है। बाबू यहाँ जवान बिटिया हैं, लेगी हैं उन्हें लोग, लेगी ने जवान कूलर खाड़ हुई उन्हें लोग हुई मदद, उन्हें लोग करिए हमारे, अब वो लोग कटवाए दें, कहे कि यह नहीं है उन्हें लोग के चाहिए, नहीं तो हमारा 12 वोट रहा। 12 वोट? हाँ 12 वोट। तो आंटी मुझे ये बताओ, आपकी नज़र में आपका जो विधायक ललित यादव है, पास है या फेल है? फेल है। फेल है। तो ये थी इस गांव के लोगों की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। इन लोगों को ना तो बाथरूम दिया गया, ना तो पक्के मकान दिए गए, कच्चे मकानों में छोटे बच्चे लेकर ये रह रहे हैं। और ये भाई साहब जो हैं, सामने देख सकते हो आप, ये एक मजदूरी करके तो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपना बच्चों का पालन पोषण ही बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो मैं पक्के मकान कहाँ से लाऊँ बच्चों के लिए। तो ललित यादव जी अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
लोगों की परेशानियों को हल कीजिए, ना कि उनकी परेशानी को बढ़ाइए। बना रहूंगा आपके साथ, हर गांव की समस्याएं शेयर करूंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा, हर गांव की मुश्किलों को आसान करने के लिए सरकार तक मैं न्यूज़ बनाता रहूंगा। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से मैं शर्मा।